हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले चावल के आटे की बहुत ही स्वादिष्ट वाली बर्फी। देखिए हमने कैसे इस बर्फी को बनाया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया और उसमें चावल के आटे को डाल देंगे। फिर हमें उससे धीमी आंच पे चलाते रहना है। फिर चलाने के बाद देखिए हल्का सा कलर चेंज हो जाए। फिर आपको एक कढ़ाई में दूध ले लेना है 2 कप। देखिए 2 कप दूध लेने के बाद हमें उसको भी मीडियम आंच पे चलाते रहना है। ये देखिए उबाल आ जाए एक। फिर हमें इसमें चीनी डाल लेना है। चीनी डालने के बाद नारियल पाउडर डाल देना है और फिर हमें उसको मिल्क में अच्छे से मिला लेना है। और फिर इलायची पाउडर डाल दे और फिर उसको भी मिक्स कर ले दूध में। और फिर हम इसमें घी डाल देंगे 1 चम्मच, देखिए। और फिर घी को भी अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। मिल्क पाउडर से ना अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हम मिल्क पाउडर भी डाल देंगे। और फिर हमें चावल के आटे को डाल लेना है इसमें। अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से मिक्स करते जाना है, मिक्स 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 मिक्स। तो देखिए मिक्स हो चुका है पूरी तरह। अब थोड़ा सा ना हम निकाल के रख देंगे, इसको खाना नहीं है, बाद में लगेगा। 2 लेयर के हम बर्फी बना रहे हैं। देखिए फिर उसी कढ़ाई में मिल्क 1 कप डाल देंगे और फिर उसमें फूड कलर डाल देंगे। अच्छे से फूड कलर को मिल्क में अच्छे से मिक्स कर दें और फिर हम उसमें भी 1 चम्मच घी डाल देंगे। और फिर घी डालने के बाद जो हमने बचा के रखा था थोड़ा सा, ये देखिए 2-2 प्लेट है और 1 प्लेट का हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए। और फिर हमको इसको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ये देखिए मिक्स हो गया। फिर थोड़ा सा जो हमने बचा के रखा था उसको हम 1 प्लेट में अच्छी तरह से सेट कर देंगे। और फिर ऑरेंज वाला जो है, जिसमें फूड कलर दिया है, वो ऊपर सब उसको भी अच्छी तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से करना है, थोड़ा सा प्रेशर लगा के करना है, नहीं तो सेट नहीं होगा। और फिर हमें ऊपर से भी कोकोनट पाउडर डाल देना है, नारियल पाउडर, और फिर उसको अच्छे से सेट कर दें। और फिर हम उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, ड्राई फ्रूट्स को भी उसमें अच्छे से सेट कर लेंगे। और फिर हमें उसको कट करना है बर्फ़ी के शेप में। आप चाहे तो कोई भी शेप में काट सकते हैं या फिर आप लड्डू के जैसे भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए हमारा बर्फी बनके तैयार हो गया है।